ऊंच नीच से परे मजाल आंख में भरे, मैं लड़ रहा हूं रात से मशाल हाथ में लिए। ना सूर्य मेरे साथ है तो क्या नई ये बात है, वो शाम हूं था ढल गया, वो रात से था डर गया। मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। सो हाय एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप सब? तो ये मेरी पसंदीदा कविता थी जाकिर खान की लिखी हुई, मुझे ये बहुत मोटिवेशन देती है। आई होप आपको भी अच्छी लगी हो, नहीं तो आपको जो भी कविता गाना आपको अच्छा फील कराता है, आपको एनर्जी देता है, यू शुड ऑलवेज लिसन टू दैट, इट रियली हेल्प्स। इससे पहले आप ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो उससे पहले सुन लेना चाहिए, वो पहले ही हेल्प करता है, इट्स लाइक प्री डोज। ओके सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू वर्मा, को फाउंडर ऑफ ग्राबा PhD। आई हैव कम्प्लीटेड माई मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम IIT दिल्ली एंड करंटली आई एम परस्यूइंग माई PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी न्यूजीलैंड। सो जैसे कि हमने 5 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम हैं 6th स्टेप पे, विच इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। अब अगर आप ऐसे सोचें कि आप किसी दुकान पे जा रहे हैं एंड आपने उनसे शैम्पू मांगा, और इमेजिन कि उन्होंने ढेर लगा रखा है हर चीज़ का, और वहाँ से वो शैम्पू ढूंढ के दे रहे हैं उस ढेर में से जो शैम्पू आपको चाहिए, डू यू थिंक वो निकाल पाएंगे जल्दी से, या आप ऐसी शॉप पे जाना पसंद करेंगे? नो राइट? सो अगर आपके दिमाग में भी ऐसा पहाड़ बना होगा इन्फॉर्मेशन का, तो कैसे दिमाग खोजेगा, मतलब कैसे खोजोगे उस इन्फॉर्मेशन को? तो इसलिए उस इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई विल टेल यू हाउ टू ऑर्गेनाइज हर स्टेप को, आई विल टेल यू, बट स्टेप 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसको ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो इट्स गोइंग टू बी अ रियल प्रॉब्लम देन इन द एंड। ओके, तो स्टेप 1 में हमने सीखा था कि हम PhD करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, राइट? हमारा मन है या नहीं। तो जब मन बना लिया है ना, तो इस बात को कहीं पेपर पे लिख लो, क्योंकि जब PhD में डीमोटिवेशन होगी ना, उसको जाके रीड करना कि क्यों लिया था ये स्टेप, ऐसा क्या कारण था कि मैंने ये स्टेप लिया था और आज मुझे क्यों रिग्रेट हो रहा है। तो मैं जाके उसे रीड करूँ वापस से एंड अपने आप को विश्वास दिलाऊँ कि मैंने ये सही ही लिया है स्टेप, एंड इसलिए मैंने उस टाइम पे ये सोचा था। बिकॉज बहुत बार हमारे साथ होता है कि हम कोई स्टेप ले लेते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि क्यों लिया, रिग्रेट्स होते हैं, बट जब हम बहुत सोच समझ के वो चीज़ लेते हैं तो उस टाइम के अकॉर्डिंग वो सही ही होती है। आज अगर सरकमस्टांस ऐसे हुए हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो अपने आप को कोसना नहीं चाहिए। यू नो वॉट, हमें ये भी सीखना चाहिए कि अपने आप को माफ़ कैसे किया जाता है। औरों को तो माफ़ कर ही देते हैं, खुद को माफ़ करना भी आना चाहिए। ओके सो फिलोसफी पे नहीं जाते हैं। स्टेप 1 का अगर आप लिखते हैं कहीं पर कि आप क्यों PhD करना चाहते हैं, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। स्टेप 2, उसमें हमने देखा था कि अब हम PhD कर सकते हैं या नहीं। अब जब आपने इंटर्नशिप की है या प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो आपको अपना टॉपिक समझ आया होगा, राइट? तो आप ज़रा उन टॉपिक्स को लिख लो कहीं। जैसे जब मैं कर रही थी मास्टर्स, तो मैंने इसे लिख लिया था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, फूड केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, बायो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें से लिख ली थी। जब लिख लेते ना, तो दिमाग को भी दिखता है कि ओके ओके ये ढूंढ रही है, तो दिखती है हमें, फिर वो वैसी चीज़ें दिखनी लगती है जब हम लिखते हैं, हर जगह वैसी अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगती है। तो इंटर्नशिप्स का भी आप लिख लीजिए कहीं पर। देन अगेन स्टेप 3, जहाँ आपने ये डिसाइड किया कि 3 ईयर्स या 5 ईयर्स PhD, इसको भी लिखो, बिकॉज बाद में जब बच्चे मिलते हैं जो US से कर रहे हैं या कैनेडा से कर रहे हैं, जब वो 5 साल की कर रहे होते हैं, या कोई अगर आप 5 साल की कर रहे हो तो वो यूरोप से कर रहे हैं, और फिर आप उनको देख के सोच रहे हो कि वाह इसकी तो 3 साल में ख़त्म हो जाएगी, या आप 3 साल की कर रहे हो तो आप सोच रहे हो वाह इसने तो काफ़ी कुछ सीखा है, TA भी सीखा है 5 साल की, इसकी तो काफ़ी अच्छी PhD है, तो कंपैरिजन का तो कोई अंत है नहीं जी। तो आप लिख लो तो ज़्यादा बेटर है कि आपने ये क्यों चूज़ किया था, क्योंकि मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो 5 ईयर्स की PhD कर रहे हैं, बट मुझे 1% भी ऐसा कभी रिग्रेट फील नहीं हुआ, टच छोड़ा आज तक तो, कि क्यों ये लिया, और क्योंकि लिखा हुआ है क्यों लिया 3 साल की PhD, क्लियर है माइंड में ये वाली बात कि क्यों ली थी मैंने, क्या सोच कर लिया था, ठीक है? तो ये आप लिख लेना, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। देन स्टेप 4, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अब अगर आप पहले से ही श्योर हो कि आप यूरोप में अप्लाई करने वाले, तो अभी मत दो फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, 15,000 बच जाएंगे,
कारण है इसका कि वहाँ पे हर यूनिवर्सिटी नहीं मांगती है आइल्स, बट हाँ अगर आपका बड़ा मन है देने का, आपका सीखने का मन है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, 15,000 इस पर स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि बाहर जाने में ऑलरेडी बहुत पैसा लगता है, तो दीजिए, ज़रूर दीजिए। आई तो विल ऑलवेज सजेस्ट कि देना चाहिए, बहुत सीखते हैं इससे। और अगर US का प्लान है तो पहले ही TOEFL दे के रखो, उसके लिए तो आपको पहले से सारी प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी, SOPs वगैरह लिख कर सब कुछ पहले से तैयार करना पड़ेगा उसके लिए। और अगर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज या और कंट्रीज जो है वहाँ कर रहे हो तो आइल्स दे ही दो, वहाँ तो लेंगी, मोस्टली लेती ही है। ठीक है, अब आता है स्टेप 5, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट, लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट, मार्क दिस। अब जब आप ग्रुप्स को ढूंढना स्टार्ट करते हो या अप्लाई करना स्टार्ट करते हो, ग्रुप्स ढूंढते हो पहले, तो आपको ना बहुत ग्रुप्स मिलने वाले और बहुत प्रोफेसर्स का आपको काम पसंद आने वाला है। अगर आपने ये एक्सेल शीट नहीं बनाई ना, क्योंकि हमें कोई सिखाने वाला नहीं था उस टाइम पे, मैंने नहीं बनाई थी एक्सेल शीट, आई नो एंड में कितनी प्रॉब्लम हुई थी ढूंढने में ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने लिखी हुई थी, मतलब फोल्डर्स बनाए हुए थे अलग अलग जगह, तो बार बार सर्च करने जाना पड़ रहा था कि ओ इस प्रोफेसर को मेल लिखी हुई है, ओ इसको पहले से ही लिखी हुई है, ओ इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है। तो उससे बेटर है कि पहले ही एक्सेल शीट बना दो। एंड लिंक्डइन के पोस्ट पे वाली चीज़ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की है कि कौन कौन सी चीज़ें आप डाल सकते हो, मैं अभी भी बताने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम, अगर आप एक ही, तो आप स्प्रेडशीट्स के अंदर भी शीट्स बना सकते हो, मतलब एक एक्सेल फाइल के अंदर अलग अलग शीट्स, तो जैसे एक शीट हो गई जर्मनी की, एक शीट हो गई फ्रांस की, एक शीट हो गई न्यूजीलैंड की, एक शीट हो गई ऑस्ट्रेलिया की, सिंगापुर, ऐसे करके जहाँ जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हो, राइट। तो उसके अंदर फिर यूनिवर्सिटी नेम एंड देन प्रोफेसर नेम, देन आपने किस दिन सेंड करी, क्या आपको रिवर्ट आया या नहीं आया, ऐसे करके आप कर सकते हो। और कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो नोट्स में ऐड कर सकते हो, उस ग्रुप का लिंक कर सकते हो, उसकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है तो उसके अंदर कमेंट ऐड करके उस सेल में वो डाल सकते हो कि आपको इसका ध्यान रखना था यहाँ पे। इवन एक और भी बना सकते हो, अपने कहाँ सेव किया है, अगर अलग अलग फोल्डर्स बना रखे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PhD में भी बहुत हेल्प करेगा आपकी। जैसे लोग बोलते हैं ना कि एक्चुअल IAS जब आप बनने की तैयारी कर रहे होते हो, आपकी तैयारी तभी से स्टार्ट हो जाती है जब आप एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो सेम है इसमें ना, मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, जब आप अप्लाई कर रहे होते हो ना एप्लीकेशन के लिए, वहीं से आप तैयार हो रहे हो PhD के लिए, क्योंकि इसमें भी आप बहुत पेशेंस सीखते हो, और PhD बिना मैनेजमेंट के नहीं होनी है, बहुत टफ हो जाता है ऐसे, अगर ढंग से मैनेज ना करो ढूंढते ही रह जाओगे चीज़ें और फिर दोबारा करना बैठ के। तो इसलिए उससे बेटर है कि पहले से ही हर चीज़ मैनेज करके चलो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू, आपने कुछ सीखा होगा कि कैसे चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई और तरीका पता है तो मुझे भी बताओ, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, मैं भी सीख रही हूँ अभी धीरे धीरे, मैंने भी ये चीज़ें अभी सीखी है, मेरे प्रोफेसर से मुझे बहुत हेल्प मिलती है चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं इस वाली चीज़ में, और अपने फ्रेंड्स से भी जो PhD कर रहे हैं, एंड इवन माई सिस्टर, शी इज़ ऑल्सो रियली गुड एट मैनेजिंग, तो आई एम ऑल्सो लर्निंग सबसे ही थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एंड वही एक्सपीरियंस आई शेयर विद यू ऑल। सो इफ़ यू नो हाउ कैन वी मैनेज इन अ बेटर वे, और क्या कर सकते हैं, और जो PhD में ऑलरेडी है अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी ऐड कर सकते हैं अगर कोई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगता है इन स्टेप्स के अंदर, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ रियली नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।